होता है कि है ना, लोग थोड़ा मजाक तो बनाते ही हैं आपका। ये वो रिंग लाइट थी मेरी, तो काफ़ी लोग हंसते भी थे कि यार ऐसा लाइट्स वगैरह बना रखा है तुमने। जब एंड मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरे पैसा नहीं था जेब पे और हालात बहुत खराब थे। उस टाइम मैंने खुद मतलब एक सेल्फ रिंग लाइट बनाई थी। आपके जब हालात खराब होंगे ना लाइफ में तो आप हर चीज कर लोगे। तो गाइस आप लोगों को भी एक ही चीज बोलूंगा भाई, सिर्फ मेहनत करो यार। सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड यार आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने मतलब सेटअप के लिए न्यू स्टूडियो लाइट्स ला रहा हूँ और थोड़ा सा रिंग लाइट वगैरह भी, क्योंकि रील्स वगैरह भी बनाता हूँ तो उस चक्कर में लाइट्स वगैरह चाहिए होती है। तो अभी मैं जाऊँगा मार्केट वगैरह, देखते हैं क्या लाइट्स का सिचुएशन, कैसी कौन सी बेस्ट लाइट है वो लेंगे। एंड इसके बाद मेरा अभी हार्दिक फ्रेंड है वो आ रहे हैं, तो चलो। तो गाइस अभी मैं जस्ट अपने सेटअप पे बैठा था एंड इसके बाद आ चुका है हार्दिक, जिसके साथ जा रहा हूँ। ये रहा अंगूर वगैरह खा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा पूरा सेटअप है पीछे, ठीक है। बेसिकली ये जो व्लॉग बन रहा है ये इसलिए बन रहा है क्योंकि यार जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरे पास लाइट्स वगैरह कुछ नहीं थी। एंड उस टाइम मैंने खुद मतलब एक सेल्फ रिंग लाइट बनाई थी, तो काफ़ी लोग हंसते भी थे कि यार ऐसा लाइट्स वगैरह बना रखा है तुमने। एंड होता है कि है ना, लोग थोड़ा मजाक तो बनाते ही आपका, बट कोई बात नहीं, मजाक तो बनता ही है ना। उस टाइम जो मेरे पास रिंग लाइट थी मैं दिखाना चाहूँगा तुम्हें, तो उसकी कंडीशन अभी, तो अभी भी ये काम करती है, अभी भी मैंने सेटअप पर लगा रखी है। तो ये वो रिंग लाइट थी मेरी और आज इसको चेंज करके हम नई रिंग लाइट लेकर आई है। आप लोगों को भी दिखा दूंगा ये वाली रिंग लाइट की कैसे चलती है, क्या है ना, और मैंने कैसे कैसे बनाया इसको, और जो नई वाली है उसके सामने भी इसको रख के दिखा दूंगा कैसा है, और जो स्टूडियो लाइट्स है उसको भी दिखा दूंगा। वैसे पता नहीं अभी क्या आता है, रिंग लाइट आती है स्टूडियो लाइट्स आता है, पता नहीं कुछ क्या क्या है, ठीक है। वैसे हमने सोचा था कि स्टूडियो लाइट्स भी ले लूँ और रिंग लाइट भी ले लूँ, दोनों दोनों का बजट लेके चल रहे हैं। और जो व्लॉग में आने का मेरा मेन रीज़न ये है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, जो मेरे मतलब व्यूअर्स है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, क्योंकि यार काफ़ी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे को भी मतलब ऐसा सेटअप बनाना चाहिए या मेरे पास भी लाइट्स वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास भी नहीं था। तो इसलिए मैं एक ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ कि एक आप लोग मोटिवेट हो, आप लोगों को भी लगे कि भाई जैसे मैं जीरो से उठाऊँ तो आप लोग भी जीरो से उठ सकते हो, ऐसा इसमें कोई वो नहीं है। आप लोग भी मेहनत करो, देखो मैंने भी मेहनत करी है बहुत दिन रात देख के, आज भी दिन रात एक कर रहा हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा ये है कि मेहनत रंग ला रही है हल्का हल्का। तो मैंने जितना भी जो भी आता है मेरे पास, मैं सारा सेटअप पर लगाता हूँ, एक रुपये भी अपने ऊपर खर्च नहीं करता हूँ। तो बस अभी फिलहाल यही है कि सेटअप के लिए अभी मैं सोच रहा हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। अभी चेयर लेनी है तो चेयर का भी ब्लॉग लाएंगे हम, अगर आप लोग बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में कर देना। मिलते हैं अभी मार्केट में, उसके बाद आते हैं घर आके, फिर देखते हैं अनबॉक्सिंग वगैरह जो भी है, ठीक है। हमने लाइट ले ली है ये रही, इसकी अनबॉक्सिंग अब घर पे करेंगे। ये रहे हार्दिक के साथ जा रहा हूँ मैं अब घर, तो घर पे करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस फाइनली पूरा सामान लेके आ चुके हैं लाइट का, हार्दिक भाई गए थे हमारे साथ लाइट लेने। तो गाइस अपनी वो मतलब जो मेरी फेवरेट लाइट थी SL 150 वो तो नहीं आ पाई क्योंकि वो 25,000 रुपये की थी, पर चलो हमने थोड़ा स्पेंड कर दिया पैसा, ठीक है, हाफ कर लिया उसका स्पेंड। मैंने सोचा अगले महीने उठा लेंगे उस वाली लाइट को, पर अभी तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो लाइट भाई बहुत ज़्यादा महंगी, पर वो लाइट यार बूम थी एकदम, जेब में पैसा नहीं था। तो अभी सोचा कि चेयर ले लेंगे उस पैसे से जो बचा है, था तो पैसा पर वहाँ पे इन्वेस्ट करना बेकार था। देखते हैं अभी हम लगाते हैं पूरा, दिखाते हैं कि कैसा है, और मेरी पुरानी रिंग लाइट भी दिखाऊंगा तो फिर, ठीक है सेटअप के। ये मेरा पीछे वाला रूम है, ठीक है, तो आज इसमें अभी हम वो करेंगे अनबॉक्सिंग वगैरह, ठीक है। तो ये रहा हार्दिक, पूरी लाइट्स वाइट अभी दिखाता हूँ, ये रही लाइट्स वगैरह है ना, और अभी लगेंगी, पूरा सेटअप देख लेना। ये रिंग लाइट है, ये स्टैंड है, ये एक और स्टैंड है, ये अलग स्टैंड है। तो चलो करते हैं, अभी दिखाते हैं पूरा सेटअप कैसे कैसे क्या होता है। Change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass. Time rolls on enough to let me. Hello guys, setup कर चुका है हार्दिक ने। एक ये हमारी light, दूसरी light और पीछे तीसरी हमारी ये ring light है, ठीक है। और अभी मेरी जो पुरानी रिंग लाइट आई है यार, वो देखना यार तुम, यार उसको देख के तुम्हें बड़ा अफसोस होगा कि हमारा हार्दिक भैया जिनने पूरा सेटअप कराने में मेरी हेल्प करी, स्टूडियो के सेटअप से लेके पूरा लाइट के सेटअप तक भाई हमारे साथ रहा है ना। और आज भी मतलब भाई पूरे दिन और हम फट के भयंकर वाले हैं। और यहाँ देखो हमारी लगी रही है, यहाँ पे देखो कैसी लाइट लग रही है भाई, भयंकर लाइट है भाई। अभी हमने जला के देखी, पूरी भयंकर आई भाई। अभी तुम देखना, ठीक है, मेरी शक्ल देखना तुम, अभी मैं इसके आगे आऊँगा तो तुम देखना, अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ कि कितना भयंकर हो जाएगा। और ये पीछे कपड़े आ रहे थे, थोड़ा इसको साइड कर देता हूँ। तो भाई ऐसा लग रहा है मेरा रूम मतलब जब लाइट्स नहीं जल रही थी, और अभी हम लाइट्स ऑन करेंगे तो आप देख लेना कैसा लगेगा। मतलब बिल्कुल देखो एकदम, मतलब जो पिक्सल्स हैं, वीडियो क्वालिटी
क्वालिटी बिल्कुल जीरो आ रही है, तो ऐसी मेरी वीडियो क्वालिटी थी। जो मेरा कैमरा क्वालिटी था वो भी ऐसे घट जा रहा था इस चक्कर में। और तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं ऑन करके कैसा लगता है। चलो आ जाओ, लाइट्स ऑन करो जल्दी से फट से। भाई जी नीचे, अरे भाई जी क्या हो रहा है, स्कैम हो गया। ये किसका लगा रहा है? फिलहाल ये हमारी रूम लाइट है जो मेरे रूम में बल्ब जल रहा है, ठीक है। अभी ये 8 या 10 वाट का होगा सेबल, ठीक है। एंड ये हार्दिक है, ठीक है। हार्दिक चल उसकी लाइट बंद कर पहले, और इसको खोल दें। उसको खोल, ट्यूबलाइट में खोलेंगे। स्कैम हो रहा है तुम्हारे साथ, बता दो क्या भाई। भाई को ये पता है पीछे वाली के लगा रहा जो कनेक्ट ही नहीं कर रहा, जिसकी तार ही नहीं आ, देखो ना। ओ भाई साहब, ये देखो गाइस, तुम लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस, देख रहे हो तुम उसकी पावर, देख रहे हो भाई क्या पावर आ रही है गाइस, मतलब यहाँ देखो ना तुम। और ये सिर्फ सिंगल जली है अभी, सिर्फ सिंगल, और मेरी रिंग लाइट भी बंद है, ठीक है। दूसरी वाली भी जलवाते हैं, ठीक है। वेट, यार लाइट जो देख रहे होंगे कितनी प्यारी आ रही है लाइट एकदम, देखो यहाँ पे तीनों लाइट खोल चुका हूँ, ठीक है। ये मेरी रिंग लाइट है, ठीक है। ये पीछे मेरा ये वाला एक लाइट वाली है, ठीक है। एंड ये दूसरी लाइट है मेरी पूरी, तो तीन लाइट है। बैकग्राउंड की रिंग लाइट होगी यहाँ पे, ठीक है, प्यारी सी। ये मेरा पोटा, एक पोटा ये ना मेरा, ठीक है। तो ये रहा, अब हार्दिक यहाँ पे खड़ो। अभी आपको पूरी लाइट बंद करके दिखाते हैं कैसा लगेगा, ठीक है ना। मतलब रूम कैसा होगा पूरी लाइट बंद करके, और अभी कैसा लग रहा है, ठीक है। मतलब जो लाइट है मैं अपोजिट में होगी, ठीक है, फिलहाल अभी, ठीक है। अभी जो अपोजिट में, अगर ये सामने से ज़्यादा है हार्दिक को देखते हैं, ये पूरी फुल लाइट है हमारी, ठीक है। तो ये देखो पूरी लाइट ऐसी है हमारी, तो ये चीज़ है कुछ। ये देखो अब आप, मतलब लाइट ऑन करते ही इतना, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, इतना मज़ा आ रहा है यार एकदम। मतलब क्वालिटी जो आ रही है एकदम एक नंबर आ रही है, ठीक है। तो मतलब जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है बहुत ठीक हुआ है, मतलब करीबन 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया मैंने स्लाइड पे अभी पूरा, इन तीनों चीज़ों पे, स्टैंड्स वगैरह जो भी थे 10,000 रुपये लगा चुका हूँ यहाँ पे अभी। एंड इसके बाद मैंने सोचा है कि जो SL150 है अपना, वो लेना है Mark II का मेरे को, वो करीबन 25,000 रुपये का पड़ रहा है। तो वो भी मैं ले सकता था अभी, पर मैंने उसको होल्ड इसलिए किया कि मेरे को चाहिए थी चेयर है गेमिंग चेयर। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इन्वेस्ट इतना ही कर पाते, और बाकी जो भी है इन्वेस्टमेंट वो मैं अगले महीने करूँगा, और कोशिश करूँगा कि SL150 Mark II लूँ, क्योंकि वो जो चीज़ है ना भाई, वो सॉफ्ट लाइट है और एक नंबर बूम है। क्योंकि मैं उसको जब देखा ना, मेरे को तो यहाँ पे दिल पे लगी कि यार ये लेनी है मेरे को अगली बार। तो अगले महीने तक मैं लेके रहूँगा उसे, और उसका ब्लॉग भी बनाऊँगा। तो देखता हूँ आप लोगों का सपोर्ट होगा तो अगले महीने उसको उठाते हैं। तो बस इतना ही कुछ था हमारे ब्लॉग में। हाँ, अरे हमारी रिंग लाइट जो हमारी पुरानी रिंग लाइट है मेरी, जो पुरानी, जब मेरे पास जेब में पैसा नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने तब वो रिंग लाइट अपने हाथों से बनाई थी, और उस रिंग लाइट को कभी नहीं भूलूंगा मैं, क्योंकि साला उस टाइम जेब में 200-300 रुपये भी नहीं थे तब बनाई थी। तो आप लोगों को दिखाता हूँ, आ जाओ। सो गाइस, अपनी रिंग लाइट आ चुकी है जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी। एक बार जरूर नई रिंग लाइट है वो दिखाओ, एक्चुअल रिंग लाइट से बोलते हैं ये, ठीक है। और मेरी जो अब की रिंग लाइट है गाइस, ये है, मतलब देखो आप, मतलब जो मैंने खुद बनाई थी अपने हाथों से, और जो अपनी नई रिंग लाइट है उसको यहाँ पे लगा देता हूँ। एक मिनट मैं बगल पर दिखा देता हूँ तुम्हें। तो ये रिंग लाइट मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी, इसको भी एक बार टेस्ट करके ऑनलाइन दिखा दूँ यहाँ पे अभी। चलो, सो गाइस मेरी नई रिंग लाइट ये है, ठीक है, जो मैंने लिए भी सिंपैक्स की लिए है। और ये मेरी पुरानी रिंग लाइट है, इसके सामने देख रहे होंगे कैसी लग रही है, ठीक है। और इसी से मैं पहले वीडियो शूट करता था, जितनी भी थी आपने देखा होगा मेरी यूट्यूब इनकम वाली वीडियोस में साइड में खड़ी थी, तो ये वाली रिंग लाइट रहती थी। लोगों को लग रहा था कि ये मतलब रेडीमेड है, ठीक है, बात नहीं, बट यार मैंने खुद बनाई थी, और इसमें मैंने अंदर LED लाइट डाली थी, और फिर ये ट्रेस पेपर वगैरह डाला था, एंड यार लगते से खुद बनाई थी ये तार को देखो। तो अब इसको अलविदा करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब अपने पास ये नई रिंग लाइट आ चुकी है, और इसके सामने तो काफ़ी फीकी लगी है, पर कोई बात नहीं, एक बार जरा यहाँ पे देखो तुम लोग क्या ही। सो गाइस, ये सब था हमारे लाइट का सेटअप जो पूरा हो चुका है, हर तरफ लाइट ही लाइट है हमारे पास, ठीक है। एक लाइट ये रही, एक लाइट ये रही, एक रिंग लाइट अपने पास पीछे। तो गाइस, ये सब था मेरा आज के सेटअप में, ठीक है। जितना पैसा था सारा सेटअप लगा दिया, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही थी क्वालिटी को लेकर, क्योंकि कहीं कहीं पर लगता था कि यार क्वालिटी को सुधार। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि अतुल भाई आपने वो रिंग लाइट कैसे बना ली थी, क्योंकि आपने देखा होगा अभी वीडियो पे कि रिंग लाइट कैसे बनी थी। तो ये क्वेश्चन भी था, तो इसलिए मैं इसको बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि हुआ ये था कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे। आप लोगों को बताया मैंने बहुत ज़्यादा उधार लिया था, करीबन 1 लाख के ऊपर का, और आज भगवान की दया से और आप लोगों के सपोर्ट से मैंने वो पूरा उधार चुका दिया अपना। तो उस टाइम ये था कि मेरे पास पैसा नहीं था जेब पे, और हालात बहुत ख़राब थे, तो लाइट की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि स्ट्रीमिंग में आपको पता है जो लाइव स्ट्रीमिंग करता है
तो उसको जरूरत होती लाइट की। तो लोगों का यही क्वेश्चन आता था कि अतुल हाई एंड में कैसे बनाई, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा यार, बनाना छोड़ो। आपके जब हालात ख़राब होंगे ना लाइफ में तो आप हर चीज़ कर लोगे, हर चीज़। तो बस मेरे हालात ख़राब थे, मैंने वो रिंग लाइट बनाई अपने लिए जैसे तैसे 200-300 रुपये में। और आज टाइम ये है कि भाई आज ये रिंग लाइट पड़ी है और मेरे पे पूरा स्टूडियो का सेटअप है पूरा लाइट का गाइज, ठीक है। और आप लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलूँगा गाइज कि इसके पीछे ना घर वालों ने सपोर्ट किया ना किसी ने सपोर्ट किया, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया इसके लिए गाइज। मैंने अपना दिन रात एक किए तब जाके ये स्टूडियो लाइट खड़ी करी है। आप लोगों को भी ये बोलूँगा, आप लोग अगर हार्ड वर्क करोगे तो आप लोगों के पास भी हर चीज़ होगा गाइज, ठीक है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो होगा। मैंने सिर्फ रिंग लाइट लेने का सोचा था अपनी लाइफ में कि ये रिंग लाइट लूँगा मैं अपने लिए, बट मुझे नहीं पता था शायद मैं ये स्टूडियो लाइट पूरी खड़ी कर दूँ अपने यहाँ पे रूम पे। एंड तो यही था इसका आंसर कि अतुल भाई आपने रिंग लाइट कैसे बनाई, तो मेरे हालातों ने मनवा दी थी मुझसे यार, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, हालात अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। तो गाइस आप लोगों को भी एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, सिर्फ मेहनत करो यार, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो बस, ठीक है। यही चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी। और अभी भी रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और काफ़ी बहुत सारे काम है, एडिटिंग वेडिटिंग बहुत चीज़ें रहती है मेरी लाइफ में, क्योंकि सब कुछ अभी अब खुद देखना पड़ता है। मेरे पास ऐसा नहीं है, ऐसा टीम नहीं है मेरे पास कोई। तो बस यही था गाइस रिंग लाइट की कहानी। और गाइस आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि यार जो मैंने किया इससे आप मोटिवेट हो और आप लोग भी स्टार्ट करो अपना कुछ ना कुछ, ठीक है, तभी कुछ ना कुछ लाइफ में होगा, ठीक है। आज मैंने कर दिया तो आप लोग भी कर लोगे गाइस, ठीक है। मुझे भरोसा है कि आप लोग भी मेरी पब्लिक हो, मेरे को देख के चलोगे तो आप लोग भी बन जाओगे कल के दिन कुछ ना कुछ, ठीक है। मैं भी पता नहीं अभी बना नहीं हूँ, पर चलो इतना एक ही साला इसको लेकर आ गए हम, ठीक है। देखो प्यारी लग रही है, प्यारी लग रही है, ठीक है। तो गाइज यही बोलूँगा आप लोगों की मेहनत करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग्स में, ठीक है। और यही था मैंने आज के व्लॉग में, ठीक है गाइज। और अब जो अगला व्लॉग होगा मेरा गेमिंग चेयर का होगा। देखो मेरा जो मेन वो था लाइट्स का था, ये थोड़ी लाइट सस्ती है, सस्ती बोले तो यार देखो पावर तो है तो फाड़ एकदम लाइट, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। बट स्टिल एक होता है कि भाई इंसान को कि यार ये वाली लाइट लेता तो ज़्यादा बेस्ट था, उसका नाम था SL150 लाइट, ठीक है। और वो करीबन 25,000 की लाइट थी सिर्फ, ठीक है। तो वो नहीं ले पाया मैं, ले लेता मैं उसको, कोई दिक्कत नहीं थी। बट अभी मेरे को एक गेमिंग चेयर की ज़रूरत है, तो अगला व्लॉग जो होगा हमारा वो गेमिंग चेयर का होगा। अगर आप लोग को चाहते हो कि मैं चेयर का व्लॉग भी दूँ, क्योंकि जो मेरी चेयर की कंडीशन है ना वो रिंग लाइट से भी बदतर है गाइस, ठीक है। काफ़ी लोग जो स्ट्रीम में बोलते हैं अतुल भाई आप ऐसे क्यों बैठते हो मुर्गे की तरह, है ना, तो उसका जवाब मैं दूंगा और कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको उसका व्लॉग चाहिए, ठीक है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग में, और आज का व्लॉग हम करते हैं। और बस जाते जाते एक ही चीज़ बोलूँगा, कीप डूइंग हार्ड वर्क गाइस, ठीक है। हार्ड वर्क हमेशा पे ऑफ करेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। मेरी 8 महीने की मेहनत मेरे को उस रिंग लाइट से, अभी है नहीं यहाँ पे, इस रिंग लाइट पे ले आई, ठीक है, और ये पूरा स्टूडियो लाइट पे ले आई मेरे को, ठीक है। तो आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि यार गाइस मेहनत करो, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में।